जनपद पीलीभीत के विकास खंड अमरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत धंधूरी में ग्राम प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर। ग्राम वासियों ने बताया, युवा ग्राम प्रधान दिलसाद के 5 वर्ष कार्यकाल में ग्राम पंचायत धंधूरी में जमकर हुआ विकास। गांव का ईमानदारी के साथ विकास करने वाले को ही चुने, काम किया है आगे भी काम ही करेंगे। दिलसाद अहमदपुर प्रधान ग्राम पंचायत धंधूरी विकास खंड अमरिया जनपद पीलीभीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकरार अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला पीलीभीत विकास क्या कहना तहसील अमरिया धुंधरी का रहने वाला हूँ। ग्राम गांव का नाम धुंधरी है जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव का स्कूल बहुत बढ़िया है और इससे पहले इसकी दशा बहुत ख़राब थी। जब से ये 5 साल में दिलसाद प्रधान जी बने, इन्होंने इस गाँव इस स्कूल में इस फील्ड का बहुत पटान कराया, पेड़ लगवाए, ताल, शौचालय, रसोई, आंगनबाड़ी बहुत बढ़िया करके देखरेख करी। ऐसे देखरेख करी जैसे कि मैं अपना काम घर का कर रहा हूँ। मैं तो यही कहता हूँ बार बार कि इस गांव को दिलसाद प्रधान जैसा ही प्रधान मिलना चाहिए। अगर हम बात करें आपके यहाँ पे गांव के जो 5 साल पहले के जो काम हुए हैं और अब हुए हैं 5 साल में जी, तो क्या तुलना करेंगे आप पहले और अब में? पहले और अब में तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले गाँव के अंदर गलियों में कचरा गड्ढा रहा करता था, कचरा ही दिखाई देता था। जहाँ जरा 2-4 बूंदे गिरी तब पानी, किसी की नाली नहीं है बनी हुई तब रास्ते में पानी। और आज वो स्थिति है गांव की कि शहर जैसा हमारा गांव दिखाई देता है, ये दिलसाद प्रधान जी की देन है। रोडों की क्या व्यवस्था है यहां पर? रोडों की सब सीसी रोड करा दी है। अच्छा, प्रधान जी ने। अच्छा, सीसी रोड। और सरकारी बिल्डिंगें कौन कौन सी बनी है यहां पर? सरकारी बिल्डिंगें बनी है यहां पर, सार्वजनिक शौचालय बना है, आंगनबाड़ी बनी है, और क्या 2 आंगनबाड़ी बनी है, 1 टंकी बनी है शुद्ध पानी के लिए, पीने शुद्ध स्वच्छ पानी आपको यहाँ गांव में मिल रहा है? जी 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 जी। अच्छा, और यहाँ पर शौचालय की और आवासों की क्या व्यवस्था रही है? आवासों की व्यवस्था ये रही है, जो झोपड़ पट्टी वाले थे, आज हमारे गांव के अंदर झोपड़ी 5% दिखाई दे रही है। वो भी प्रधान जी कह रहे थे कि ये भी नहीं रहूंगी, अगर दोबारा मैं सत्ता में आया तो ये भी नहीं रहूंगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप किस तरह के प्रधान को चुनना चाहेंगे, तो आप किस तरह के प्रधान को चुनेंगे? हम तो काम करता प्रधान को चुनना चाहते हैं जो मेहनती और दिलसाद प्रधान जैसा ही दिलसाद जैसा हो, जैसे आज दिलसाद है, आगे आने वाले हम ना हो हमारे बच्चे भी दिलसाद जैसे आदमी को ही चाहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धुंधरी। धुंधरी विकास खंड कौन सा है? अमरिया। अमरिया। और जिला? पीलीभीत। पीलीभीत। तो जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस समय ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जी, तमाम ग्राम प्रधान पद के दावेदार आ रहे हैं सामने, तो आप किस तरह के प्रधान को चुनना चाहेंगे? प्रधान साहब तो चुनना चाह रहे हैं जितने की विकास गांव के अंदर करा है, जो काम करा है। पहले तो यहाँ गांव के अंदर वो स्थिति थी कि लोग निकलने से परेशान थे, विकास तो इतना कराया जिससे आज तक किसी प्रधान ने कराया नहीं। अच्छा, तो किस प्रधान के कार्यकाल में ये काम हुए हैं? क्या क्या काम कराए थे प्रधान जी ने? क्या आंगनबाड़ी के यहाँ बेकार था, वो इतना बेहतरीन बनवाया कन्या साहब ने, स्कूल बनवाया, और गांव में सीमेंट रोड कोई गली ऐसी थी निकलने में परेशान था आदमी। अच्छा, आवास भी लोगों को आए हैं, आवास की क्या स्थिति रही है गांव के अंदर? बढ़िया रही आवास, जो गरीब लोगों को दिए, बहुत लोग परेशान थे। रोडों की क्या व्यवस्था है? रोडों की व्यवस्था ये है कि हर गली सीमेंट रोड पड़ी हुई है। अच्छा, शौचालय की क्या स्थिति रही है? शौचालय भी बहुत गांव के अंदर लोग परेशान थे, लैट्रिन करने को परेशान थे, बाहर जाग रहे थे। आज जो है अपने घरों में लैट्रिन शौचालय में उसमें कर रहे हैं अपने, और बने हुए बहुत अच्छे बने हुए, बहुत शौचालय आया। अच्छा, तो ये इनके शासन काल में काम बढ़िया बेहतर बढ़िया काम हुआ नंबर वन। तो आप किस तरह के प्रधान को चुनना चाहेंगे? प्रधान क्या जिनने काम करा गाँव के अंदर 5 साल के अंदर, हम तो वोट उनसे लाभ कुछ देने वाले नहीं है, विकास अच्छा करा गाँव के अंदर। क्या नाम है आपका? अमनदी बेगम। जी कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम धंधरी। ग्राम धंधरी की। विकास खंड कौन सा है? अमरिया। जिला? पीलीभीत। जी, जानना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आप अपने गांव का किस तरह का प्रधान चुनेंगे? जो गांव में विकास करें। विकास करेंगे। तो पहले जो प्रधान रहे थे जी, उन्होंने क्या काम किए हैं, और जो पिछली बार अब प्रधान ने क्या काम किए हैं? जो अब इस वक्त जो प्रधान है उसने बहुत अच्छा काम किया है। गाँव के गाँव में पड़े हुए रोडों की क्या बहुत अच्छी स्थिति है? बहुत अच्छी। शौचालय की? बहुत अच्छे। शौचालय भी ठीक है जी। अच्छा, जो गरीबों के लिए आवास दिए गए उनकी क्या व्यवस्था रही है? बहुत बने हैं, बहुत बने हैं। पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है? बढ़िया पानी। अच्छा, जो प्रधान जी रहे उनका क्या नाम है? दिलसाद।
इनके शासनकाल में काम अच्छे हुए हैं जी। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि पहले के प्रधानों ने और अब के प्रधान में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? जमीन आसमान का, जमीन आसमान का अंतर है। तो पहले के प्रधानों को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? वोट ही नहीं देना चाहेंगे, जीरो बिल्कुल। तो आप विकास के नाम पर वोट देंगे जी। मैं आपका प्रीतम राम जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? धुंधरा। ग्राम पंचायत का क्या नाम है? धुंधरी। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सड़कों की क्या व्यवस्था रही थी, सड़क कैसी है यहाँ पर? अब तो सही है, पिछले साल तो ये दंदल थी, यहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक। अच्छा, दंदल है ही। अच्छा, ये प्रधान ने काम कराया। क्या नाम रहा प्रधान जी का? दिलसा प्रधान ने काम कराया है। अच्छा, धुंधरी अगर बात करें, धुंधरी ग्राम पंचायत में तो कौन कौन से काम हुए हैं? धुंधरी के धुंधरी वालों को मालूम होगी। अच्छा, आपके लिए शौचालय वगैरह मिला क्या? हाँ मिला। अच्छा, और यहाँ पर क्या कहते हैं, आवास वगैरह की लोगों को मिले नहीं मिले हैं? मिले तो हैं। मिले हैं, तो आप किस तरह के प्रधान को चुनेंगे? हाँ, इसी को चुनेंगे जितने हम, जितने हमारी कीट टाली, हम तो कीट में घुसते थे। आज क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। हरप्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गाँव के। गाँव का क्या नाम है? धुंधरी धुंधरा। धुंधरी धुंधरा। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, मतलब काम सही करा है प्रधान जी ने, जो भी करा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपके गांव में 5 साल में क्या क्या काम हुए, तो क्या क्या बताएंगे आपके, क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पर? भाई ये देखो, जिस रोड पर खड़े हैं, ये रोड इनने बनवाया, आंगनबाड़ी इनने बनवाई, ये शौचालय इनने बनवाया, ये आंगनबाड़ी पल्ली तरफ बनवाई है, ये सब इन्हें तो काम करें। तो आपके गांव में इसमें 5 साल में काम हुए हैं? हाँ, काम हुए हैं। पहले के प्रधानों ने और आपके वाले प्रधानों ने क्या तुलना करेंगे, कितने काम कराया ये? मतलब इनसे, इनने विकास ज्यादा कराया है ना। अच्छा, तो आप किस तरह के प्रधान को चुनना चाहेंगे इस बार ग्राम पंचायत प्रधानी चुनाव में? प्रधानी हमें काम करता प्रधान चाहिए, अच्छा प्रधान चाहिए जो गाँव का विकास करे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राज जी। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, क्या क्या बना लेते हैं, क्या क्या सिलाई करते हैं? सब कुछ। अच्छा, जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव पंचायत के होने जा रहे हैं, तो किस तरह के प्रधान को आप चुनना चाहेंगे? ईमानदार। और क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए प्रधान के अंदर? जो गाँव में विकास करा सके। अच्छा, तो जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में किस तरह के काम हुए हैं आपके गांव के अंदर? बेहतरीन काम, बेहतरीन रोड। अच्छा, अच्छे काम हुए हैं। अच्छा, और उससे पहले की क्या व्यवस्था रही थी? कि उससे पहले काम गांव में हुए थे, लेकिन इतने काम नहीं हुए थे, जो लोगों को काम कराना चाहिए थे वो काम हो नहीं पाए, नहीं हो पाए थे। सड़क की इस समय क्या व्यवस्था है? सड़क बढ़िया है, सब रोड है। स्कूलों की? स्कूल भी ठीक ठाक। शुद्ध पानी मिल रहा है गाँव में पीने के लिए? पानी तो हाँ ठीक ठाक मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, शौचालय और आवास लोगों को मिले हैं, नहीं मिले हैं? शौचालय ही मिले हैं, आवास भी मिले हैं लोगों को। अच्छा, तो आप किस तरह के प्रधान को चुनेंगे? ईमानदार प्रधान।